हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेस्टी ट्रेजर। आज हम बनाएंगे मलाई केक। इसमें आप केक, पुडिंग और रसमलाई तीनों का मजा ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे, इसे गैस पे रख देंगे और इसमें एक ग्लास पानी डाल देंगे। गैस की फ्लेम कम कर देंगे और इसे ढक कर रख देंगे। और जब तक हम बैटर तैयार करेंगे तब तक हमारी कढ़ाई भी प्री हीट होकर तैयार हो जाएगी। केक के लिए बैटर बनाने के लिए सबसे पहले हम बॉल में 4 बड़े चम्मच तेल ले लेंगे। तेल आप कोई भी ले सकते हैं, बस तेल में स्मेल नहीं होनी चाहिए। और विदाउट स्मेल वाला कोई भी तेल यूज कर सकते हैं। आधा कप इसमें हम दही मिला रहे हैं और आधा कप पाउडर शुगर। सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सारी सामग्री अच्छी तरह मिक्स हो गई है। अब हम एक छलनी लेंगे, इसमें 1 कप हमने मैदा लिया है, इसे डाल देंगे। 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा, इसे हम छान लेंगे। जब भी केक बनाते हैं तो मैदा को छानना बहुत ज़रूरी होता है, इससे मैदा के पोर्स खुल जाते हैं और हमारा केक सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनता है। सारी सामग्री को हम वापस से मिक्स कर लेंगे और हमें ध्यान रखना है कि इसे एक ही डायरेक्शन में चलाना है। मैदा को हमने मिक्सचर में अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और आप देख सकते हैं कि ये बहुत गाढ़ा है। अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। हमने 1/2 कप दूध लिया है, इसमें हम दूध मिलाएंगे, लेकिन दूध को हम एक साथ नहीं मिलाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे। हमें उतना ही दूध मिलाना है जितना हमारी बैटर की कंसिस्टेंसी के लिए प्रॉपर है। हमने सारी सामग्री को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। हमने 1/2 कप दूध लिया था और इसमें से हमारा करीब 2 से 3 टेबलस्पून दूध बच गया है। और बैटर आप देख सकते हैं ये फ्लोइंग कंसिस्टेंसी है। जब हम इसको ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं तो ये रिबन की तरह गिर रहा है। हमारा बैटर तैयार है। अब हम एक टिन तैयार कर लेते हैं। हमने एक ग्लास बॉल लिया है, सबसे पहले इसके नीचे हम तेल डाल देंगे और इसको पूरे बॉल को अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। हम ग्लास बॉल में केक बना रहे हैं क्योंकि हम अपना केक जो है वो स्टीम में पका रहे हैं। आप किसी भी टिन केक में केक को पका सकते हैं और नहीं तो आप कोई स्टील का डिब्बा लेके उसमें भी अपना केक बना सकते हैं। हमें चारों तरफ से अच्छी तरह से ग्रीस करना है। अब हम इसमें अपना बैटर डाल देंगे। अब हम इसको थोड़ा सा टैप कर लेंगे 2-3 बार, जिससे कि एयर बबल्स निकल जाए। जब तक हमने बैटर तैयार किया तब तक हमारी जो कढ़ाई है वो भी गर्म हो चुकी है। इसमें आप कुछ भी नीचे रख सकते हैं, कोई भी स्टैंड या कोई ढक्कन, कोई भी चीज़ आप इस तरह नीचे रख दीजिए और उसके ऊपर हम अपना केक का टिन रख देंगे। और इसको किसी भी ऐसे ढक्कन से ढक दीजिए जिससे कि हवा बिल्कुल जो एयर है वो बाहर ना निकले। इसकी भाप बिल्कुल बाहर नहीं निकलनी चाहिए। और लो फ्लेम पर हम इसे 30 से 35 मिनट तक पकाएंगे और 30 मिनट के बाद एक बार हम केक को चेक कर लेंगे कि केक पूरी तरह से पककर तैयार हुआ है या नहीं। जब तक हमारा केक तैयार होता है तब तक हम अपनी मलाई भी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमने 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क लिया है और इसे लगातार चलाते हुए हम पकाएंगे। गैस की फ्लेम हम तेज ही रखेंगे। और जो दूध बॉयल हो चुका है और आप देख सकते हैं कि कढ़ाई के साइड में मलाई जमने लग गई है, तो इसको भी हम स्क्रैप करते रहेंगे और दूध में मिक्स करते रहेंगे। इस स्टेज पर यदि आपको लगता है कि दूध कढ़ाई से बाहर निकल रहा है तो आप गैस की फ्लेम थोड़ी कम कर सकते हैं, लेकिन आपको दूध को लगातार चलाते हुए ही पकाना है। हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। मैं 3 बड़े चम्मच चीनी इसमें ऐड कर रही हूँ। मीठा आप अपनी टेस्ट के अनुसार थोड़ा कम या ज़्यादा रख सकते हैं। हमने केक में भी चीनी मिलाई थी तो हम इसमें थोड़ा कम मीठा रखेंगे और इसे लगातार चलाते हुए पका लेंगे। चीनी को हमने अच्छी तरह दूध में मिला लिया है। अब हम इसमें थोड़ा केसर वाला दूध मिलाएंगे। इसके लिए हमने केसर को भिगोकर रख दिया था। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो केसर को डाल सकते हैं और आप इसके बिना भी मलाई बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा दूध काफी गाढ़ा हो चुका है। ये करीब 400 मिलीलीटर दूध रह गया है। हमने 1 किलो दूध लिया था, इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच इलायची पाउडर। हमें बस दूध को इतना ही गाढ़ा करना है। आप देख सकते हैं गैस की फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। ठंडा होकर ये थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा। 35 मिनट हो चुके हैं और हमारा केक भी फूल चुका है। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह से फूल चुका है। इसमें हम एक टूथपिक डालकर देखेंगे और टूथपिक बिल्कुल क्लीन आ रही है, इसका मतलब केक पूरी तरह से फूल चुका है। हम एक बीच में से भी डालकर देख लेते हैं। गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और केक को हम बाहर निकाल लेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लेंगे। करीब 10 मिनट तक हम इसे ठंडा करेंगे। केक को हमने ठंडा कर लिया है। अब एक कांटे की हेल्प से हम इसमें इस तरह से होल कर देंगे
जिससे कि ये मलाई को अच्छी तरह सोख ले। अब हम इसमें अपनी तैयार मलाई को इसके ऊपर इस तरह डाल देंगे। इसे हम बादाम और पिस्ता से गार्निश कर लेंगे। हमारा मलाई केक बनकर बिल्कुल तैयार है। इसे हम फ्रिज में रखकर 2-3 घंटे के लिए ठंडा कर लेंगे और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। 2 घंटे हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि केक हमारा सेट हो गया है। हम इसे काट लेते हैं। हमारा 3-in-1 मलाई केक बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इसमें केक, रस मलाई और पुडिंग तीनों का मजा ले सकते हैं। आप इसे जरूर एक बार ट्राई कीजिए और मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा अपने व्यूज मेरे साथ शेयर कीजिए।